पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी व प्रभारी निरीक्षक कैंट सुधीर सिंह द्वारा शुक्रवार को पुलिस बल के साथ दीवानी न्यायालय परिसर का भ्रमण किया गया और न्यायालय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा की गई। इस दौरान जनपद न्यायाधीश एवं CGM महोदया से भी मुलाकात की गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल के साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। इस दौरान अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु बंदी गृह, अधिवक्ता चेंबर, कार्यालय व कंट्रोल रूम सहित न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया गया। हाजिर पर आए कुख्यात अपराधियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जानकारी ली गई। न्यायालय परिसर के सुरक्षा में प्रवेश द्वार व परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों व संबंधित उपकरणों की समीक्षा करते हुए सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं से वार्ता भी की गई और उनके सुझाव सुने गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, न्यायालय का सुरक्षा का आज जायजा लिया गया था। इसमें हम लोग, मैं SP साहब थे और DJ सर से मुलाकात हुई, CJ मैडम से मुलाकात हुई। उसके निर्देश के अनुसार हमने अलग अलग जगह का भ्रमण किया, CCTV कैमरों का निरीक्षण किया, डॉग स्क्वाड और इसके साथ BDDS की जो टीम है वो भी वहां आए थे। उन्होंने जंक्शन ट्रांजिस्टर डिटेक्टर के मदद से हर जगह देखा, बैगेज स्कैनर को देखा गया। वहां जो तैनात पुलिस कर्मी है उनको निर्देश दिए गए कैसे इसको बेटर किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त वहां जो भी वकील थे, जो भी वहां के लोग थे, उनसे बातचीत की गई और उनसे फीडबैक लिया गया है। इसके अनुसार एक नई योजना के तहत अलग ड्यूटियां लगाई जाएंगी और इसको बेहतर करने का कोशिश किया जाएगा।